पर ये बहुत आसान होता है, ये अपनी सरकारों को अपने हुक्मरानों को गाली सुनाना। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कभी कभी हमें ना थोड़ा अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए और थोड़ी गाली अपने आप को भी सुनानी चाहिए, क्योंकि हम वो कौम है जो ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के ऐसे ऐसे हीरे निकाल के लेके आता है अपने पार्लियामेंट में बिठाने के लिए। जो पार्लियामेंट में घुसने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इस भारतीय संविधान के अनुसार ही मैं काम करूंगा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की ऑनर किलिंग कर देते हैं, तो ये हम कौन आवाम है, कौन कौम है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं गुड़गांव में था, किसी के घर पे खाने पे गया हुआ था, जब ये हमारे दोस्त कन्हैया जी हमें जब आप जेल की सैर कर रहे थे ना सर, ये सैर सपाटा कर रहे थे, तो बाहर से सुनने को मिलता था, वहां पे गप्पे सुना रहे हैं लोगों को। एक बार मैं एक किसी आदमी से बात कर रहा था सचिन तेंदुलकर को लेके, और मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई इतने दिन से खेल रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, अब छोड़ दे, दूसरों को आने दे। तो वो लड़ पड़ा मेरे से, हाउ डेयर यू टॉक टू मी अबाउट सचिन तेंदुलकर लाइक दैट। सचिन तेंदुलकर इंडिया की मिडिल क्लास के एस्पिरेशन का एक वो है, नमूना है, ऐसे कैसे भारत की शान है, भारत रत्न है, ये है वो है फलाना है। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मेरा एक ऐसी लेक्चर था, तो मैंने वहां पे बोला कि ये बड़ा अजीब मुल्क है, यहाँ पे आप सचिन के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो लोग शायद मार दें आपको, लेकिन अगर आप जेनोसाइड करोगे तो शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। उसके बाद 3-4 लोगों ने आके मेरे को पकड़ लिया, क्या था मोदी जी के बारे में ऐसे कैसे बोला। मैंने कहा भाई मैं तो राजीव गांधी की बात कर रहा था। अगर आपकी दाढ़ी में तिनका है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मगर आप देखिए तो दोनों में फर्क ही क्या है। एक ने बोला जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, दूसरे ने बोला गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए तो पिल्ला आ जाए तो दर्द तो होता है, क्या फर्क है दोनों में। हम लोग ही क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को उठा उठा के लेके आते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और कभी डेवलपमेंट के नाम पे, और पता नहीं डेवलपमेंट क्या अजीब शगुफा है जो दिखाई नहीं दे रहा है किधर है। मतलब एक क्वांटम मैकेनिक्स में हमने एक पढ़ा था, एक सबएटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो गायब हो जाता है, इट्स कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि जैसे ही आप किसी चीज को देखोगे वो गायब हो जाएगी। तो विकास और डेवलपमेंट वैसा ही हो रहा है वो कहीं पे है, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट, जस्ट एक्सेप्ट दैट इट इज देयर। जैसे आप उसको मेजर करने की कोशिश करोगे आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। अब मसला ये है कि जो एक मैं मोदी जी की एक बात का बड़ा कायल हूं, उन्होंने एक बहुत शानदार नारा दिया था कि घर घर मोदी, याद है आपको। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 45 साल का आदमी हूं, मैं इससे ज्यादा सच बात नहीं सुनी है। हम सबके घरों में एक मोदी है, और हम सब बड़े खुश होते हैं बाहर के मोदी से लड़ने जाने के लिए, लेकिन जो हमारे घरों में अंदर बैठा हुआ है उसको हम कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि द सेंसिटी ऑफ द फैमिली हैज टू बी प्रोटेक्टेड। You know, people always come up to me and say, आपने भी बहुत देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग बोलते रहते हैं कि आई लव माई डैड, डूड आई कांट गो अगेंस्ट माई डैड, आई कांट क्वेश्चन माई डैड, आई हैव द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, आई हैव द ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। देखा होगा आपने, फादर्स डे पे लोग लिख देते हैं फेसबुक पे, हैड द बेस्ट लंच विद द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, हैड द ग्रेटेस्ट डिनर विद द ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। अगर सबका एक बाप बेस्ट और ग्रेटेस्ट है, पहले तो मेरे को ये बता दो कि तुम्हारे कितने बाप हैं, बिकॉज बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आर सुपरलेटिव्स। व्हाट इज योर सैंपल साइज? और अगर सबका ही बाप बेस्ट है और ग्रेटेस्ट है तो एक गंद किसका बाप बचा रहा है? ये अपने आप को हंसी की चीज लग रही है, लेकिन अगर आप देखें कि आप हिंदुस्तान का ज्यादातर यूथ जो है, ज्यादातर पॉपुलेशन हमारे मुल्क का जो ज्यादातर आवाम है वो दिमागी रूप से थोड़ा सा बीमार है, क्योंकि वो बचपन से ऑपरेशन में जीता है,
बचपन से ही वो कोई सवाल पूछता है कि पूजा क्यों नहीं पटाख थप्पड़, नमाज क्यों पढ़ रहे पटाख थप्पड़, ये क्यों होता है पटाख थप्पड़, इसको ये जो ये हमारे घर में काम करने वाली मासी आती है चप्पलें बाहर उतार के थप्पड़। तो वो इतना ऑप्रेस ऑप्रेस होके जब 18-19 साल का होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कश्मीरी बन जाता है। क्योंकि वो वैसे पला बड़ा होता है ना, तो वो कश्मीरी की तरह डिप्रेस होके बड़ा होके निकलता है। क्योंकि जब पिटाई हो रही होती है तो होम मिनिस्टर आके बोलता है, माँ आके बोलती है कि तुम्हारे भले के लिए पिट रहा है। मैं तो अपनी जिंदगी में ये सोच सोच के बड़ा हुआ था कि भले के लिए पिटाई बहुत जरूरी है। फिर बाद में मुझे कुछ इस किस्म के लड़के मिले जिनके माँ बाप ने कभी हाथ भी नहीं लगाया था, मतलब जो थोड़े ज्यादा जैसे अगर हम कहें तो डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, इस किस्म के डेवलप्ड नेशन जैसे हैं, वो मिले जिन्होंने अपने जिनके माँ बाप ने कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बोलने लगा तुम्हारे माँ बाप तुमसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम्हारा भला ही नहीं चाहते यार। But that's how we grow up. And इसका अदर साइड ये है कि that's why एक तो ऑपरेशन है कश्मीरी की तरह, दूसरी तरह जब उनमें जो लिबरल इकोनॉमीज में जाके नौकरी करके जब उनके पास पैसे आ जाते हैं तो उनके पास फालतू के अरोगियां आ जाते हैं, तब वो आसपास को जस्टिफाई करने लगते हैं कि आसपास तो होनी चाहिए। But that makes sense now, ना अपने घर में जब वो आसपा के साथ बड़े हो कि यहाँ तक पहुंच गए और ये कह रहे हैं आई लव माई डैड, आई कांट गो अगेंस्ट माई डैड, इट्स ओनली ऑब्वियस एंड जस्टिफाइड कि दे विल लव एंड प्रोटेक्ट आसपा, क्योंकि उनके घरों में आसपा है। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक जाते जाते एक बात और बोलूंगा कि एक बार हमारे देश में आजादी के बाद, आजाद तो हम कहने के 1947 में हो गए थे, लेकिन क्या हम अभी भी आजाद हैं, ये सोचने वाली बात है। हमने नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था मैरिट का, जो अपर कास्ट का बहुत ही फेवरेट वर्ड है कि हर चीज मैरिट पे होनी चाहिए। ये भाई साहब जो यहाँ पे बैठे हो ना, कि नए गवाइन के साथ एक नेटवर्क मीटिंग है, पता नहीं किसी चैनल का कोई कॉन्क्लेव था, वहां पे इनसे एक बंदा लड़ने लगा खड़ा होके सूट बूट पहन के, तुम कब तक पढ़ते रहोगे। तो ये मतलब आराम से प्यार से जवाब देने वाले मन में तो बढ़िया है, लेकिन वैसे अच्छा वाला बढ़िया, अच्छा वाला कह रहे कब तक पढ़ते रहोगे। मैंने कहा ये क्या जमाना आ गया यार कि पढ़ाई करना बड़ी बात हो गई है। पहले हम सोचते थे पढ़ना लिखना अच्छी बात है, आजकल इंटेलेक्चुअलिज्म का जमाना है, पढ़ कैसे रहो तुम, किसे बहस कर रहे हो, कहता तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो यार, तुमने किताबें ज्यादा पढ़ रखी है। सब लोग बोलते हैं मेरिट पे एडमिशन होना चाहिए, मेरिट पे फलाना होना चाहिए, मेरिट पे जॉब मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरिट इतनी बकवास चीज है। मैं उनको बोलता हूँ तो डेथ पेनल्टी भी मेरिट पे दो ना यार। 1947 से लेके आज तक लास्ट बात कर रहा हूं सर, आपके राय नंबर को बस लास्ट बात। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि 1947 से लेके आज तक इंडियन स्टेट ने सिर्फ 3 ब्राह्मणों को हैंग किया है, उनमें से 2 वो थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। सो इफ यू आर अ ब्राह्मण इन दिस कंट्री टू गेट द डेथ पेनल्टी फ्रॉम द स्टेट, यू रियली हैव टू किल अ महात्मा।